हेलो एवरीवन, ट्री इंग्लिश क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन टैग्स, जो कि हर एचएसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले जो एग्जाम्स हैं खास करके हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन टैग्स। तो सबसे पहला जो प्रश्न वो यही है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स मीन कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन के लिए अपना जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए पूछा जाता है। पहली बात तो ये है, कन्फर्मेशन के लिए डाउट को क्लियर करने के लिए पूछा जाता है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन टैग्स है ऑलवेज पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में इसको रखा जाता है। दूसरी बात, यदि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग्स को हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। फर्स्ट पार्ट यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट जो क्वेश्चन टैग है उसको नेगेटिव बनाया जाता है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादा समझ में ये अब जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो एक सेंटेंस मैं आपको समझाता हूँ पहले। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस है, ठीक है। अब बात है कि भाई हमने क्वेश्चन टैग्स पुट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ कोमा लगाओ, ठीक है। अब आपने क्या, आपने देखना है कि ये भाई पॉजिटिव है तो सेंटेंस को आप जो क्वेश्चन टैग्स है उसको आपने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लेकर जाएंगे इज, ठीक है। इसमें नोट नहीं है तो वहां हमने नोट रखना है, इज नोट। अब देखो, ही इज नॉट, ही और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये यहां यदि आपने देखना है, यहां नोट यदि नहीं है तो वहां हमने नोट लेकर जाना है, यानी इसको हमने, यदि ये पॉजिटिव है तो इसको हमने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। यदि ये नेगेटिव है, यहां नोट है, तो इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। कुछ सेंटेंस और हम सोल्व करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, ही हैज वॉन द मैच। ही हैज़ वॉन द मैच, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। अब देखेंगे भाई, इसमें नोट नहीं है तो मतलब वहाँ पर नोट हमने यूज करना है। पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़, ठीक है। तो हैज़, अब हम यहाँ से नोट इसमें नहीं है तो वहाँ नोट लेकर जाएंगे, हैज़ नॉट ही और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। सेंटेंस इसमें हम लिख रहे हैं, दे प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, कोमा। अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लेकर जाएंगे, तो अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अब हमने देखना है कि भी सेकंड फॉर्म है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हम डिड लेकर जाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, डिड, ठीक है। और नोटिस में नहीं है तो वहाँ यूज़ करेंगे डिड नॉट दे, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो यहाँ एक नई चीज़ निकल के आई है, यदि यहाँ सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनेट है तो लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने कौन सी यूज करनी है, डिड। यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तब हमने लास्ट में यूज करनी है डू या फिर डज, एक है तो डज, ज्यादा है तो डू लास्ट में लेकर जाएंगे यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे ही प्लेज टेनिस, ये हम लिख देते हैं ही प्लेज टेनिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ कोमा लगा के हम किसको लेकर जाएंगे, डज नॉट ही।
यही दो सेंटेंस है जिनमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, नहीं तो हर सेंटेंस में यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वहाँ लेकर जानी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वहाँ लेकर जानी है, लेकिन इनमें नहीं मिलती क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म है तो हमने समझना भाई पास्ट इंडेफिनेट है तो डिड लेकर जाएंगे। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज, ठीक है, तो एक था तो हम यहाँ किसको लेकर गए, डज को लेकर गए। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकें। राधा कैन विन दिस मैच, राधा कैन विन दिस मैच, अब ये है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम किसका यूज करेंगे, कोमा, राधा कैन विन, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें मतलब कैन को हम लेकर जाएंगे, कैन नॉट, इसमें नॉट नहीं है। अब देखो राधा नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन का यूज करते हैं हमेशा, तो राधा की जगह किसका यूज करेंगे, सी का, तो कैन नॉट सी। अब एक दो सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें यहां पर नॉट है, जैसे सी डज नॉट वॉच मूवी, सी डज नॉट वॉच मूवी, ये है, तो सबसे पहले कोमा, ठीक है, डज, तो देखो सीधी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ तो हम यूज करेंगे डज, ठीक है, नॉट नहीं लेंगे क्योंकि यह नॉट है, तो यहाँ पर रखेंगे हम सी, सीधा किसका यूज करेंगे, सी का, सी डज नॉट वॉच मूवी तो डज सी। आगे हम देखते हैं इसमें सेंटेंस है, इट माइट रेन, इट माइट रेन टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट, अब ये सेंटेंस है तो सबसे पहले तो हम यहाँ कोमा का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें माइट का यूज करेंगे, माइट, ठीक है, अब इसमें देखो इसमें नोट नहीं है तो हम यहाँ नोट का यूज करेंगे, और लास्ट में किसका यूज करेंगे, इट, लास्ट में किसका यूज करेंगे, इट, तो इस तरीके से इनको हम सोल्व कर सकते हैं। आगे थोड़ा डिफिकल्टी जो लेवल है वो हम बढ़ाते चलेंगे ताकि एक ही वीडियो में आसानी से पूरा जो क्वेश्चन टैग है वो आप समझ सकें। ही नो, ही नोज लिटल, ही नोज लिटल अबाउट इट, ही नोज लिटल अबाउट इट, तो अब यहां इस ये समझने की जरूरत है, तो इसमें देखो नोट नहीं है तो ही नोज, और आंसर में इसका क्या बनाऊंगा ये आपने ध्यान रखना है, तो डज ही, डज ही, ये आपने ध्यान से समझने की जरूरत है, ही नोज लिटल अबाउट डज ही, तो मैंने यहां नोट का यूज क्यों नहीं किया, यहां नोट नहीं था तो यहां तो नोट आना चाहिए था, क्यों नहीं यूज किया, तो ये आपने समझने की जरूरत है। लिटल और हार्डली, रेयरली, नो, नेवर, ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी नेगेटिव हैं, ये जो वर्ड है ऑलरेडी नेगेटिव हैं, लिटल भी ये ऑलरेडी नेगेटिव है, बेशक आपको यहाँ नोट दिखाई ना देता हो लेकिन ये नेगेटिव है, वहां हम नोट नहीं लेकर जाएंगे, ये रूल आपने ध्यान से समझना है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ लिटल था इसका मतलब इसके साथ में नोट भी है तो यहाँ नोट हम लेकर नहीं जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा जिसमें बच्चे गलती करते हैं वो है इम्पेरेटिव, आई एम पी ई आर ए टी आई वी ई, इम्पेरेटिव सेंटेंस में गलती करते हैं। इम्पेरेटिव में आपको पता है तीन चीज़ें यूज होती हैं इम्पेरेटिव में, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी इम्पेरेटिव में आती हैं, एडवाइस भी इम्पेरेटिव में आता है, ऑर्डर भी इम्पेरेटिव में आता है, ये तीनों चीज़ें इम्पेरेटिव में आती हैं, तो इनके सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आपने सिर्फ यूज करना है विल यू, लास्ट में क्वेश्चन टैग विल यू यूज करना है या फिर आपने यूज करना है विल नॉट यू, या फिर आपने यूज करना है विल नॉट यू, इसके हम कुछ सेंटेंसेस सोल्व करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इंपेरेटिव को आपने ध्यान से समझना है, यू ये है स्विच ऑन द, स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है, कि भी रेडियो को स्विच ऑन करो, इंपेरेटिव है तो सबसे पहले तो हमने कोमा यूज करना है यहाँ पे, और आपने अपनी मर्जी से आप यूज कर सकते हो विल यू,
विल यू, या आप चाहो तो आपकी मर्जी है आप ये यूज कर सकते हो विल नॉट यू, विल नॉट यू, ये आपने ध्यान रखना है इंपेरेटिव में। एक कोई भी सेंटेंस यदि लेट से शुरू है, इंपेरेटिव है, लेट से शुरू है, ठीक है, लेट से स्टार्ट है, तब भी आपने लास्ट में विल यू का यूज करना है, तब भी आपने विल यू का यूज करना है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस है जैसे लेट हिम गो, तो देखो लेट आया है, तो यहां आपने यूज करना है विल यू, विल यू, ठीक है। यदि लेट अस से स्टार्ट है, लेट अस से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, तो आपने यूज करना है शैल वी, तो आपने यूज करना है शैल वी। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो इसके, ये काफी इंपॉर्टेंट है यदि हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो। मान लिया ऐसे मिलता है लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल, ये ऐसे सेंटेंस है, तो आपने यूज करना है शैल वी, आसान है, तो हमने यूज करना है शैल वी यदि लेट अस से स्टार्ट है। और यदि अकेले लेट से स्टार्ट है तो मैंने आपको बताया है विल यू, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तब भी आपने किसका यूज करना है विल यू। तो ये कुछ मेन बातें थी जिनके द्वारा हम क्वेश्चन टैग को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अब कुछ एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं ताकि इसको हम और आसानी से समझ सकें। अब ये कुछ जो एक्सरसाइज हैं सेंटेंस है ये अच्छा है ये सोल्व करते हैं हम ताकि इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पहला है ही राइड्स इन दी वेल, तो अब देखो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लेकर जानी है और हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं गई है तो हमने देखना अभी फर्स्ट फॉर्म है, और जब फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज को लेकर जाते हैं। अब डू को ले जाएं लेकर जाएं या डज को लेकर जाएं वो डिपेंड करता है, इस पर एक है तो हम डज को लेकर जाएंगे, तो डज, ठीक है, इसमें नॉट नहीं है तो हम यूज करेंगे डज नॉट और ही, डज नॉट ही, लास्ट में साइन ऑफ है इंटरोगेटिव। आई एम नॉट इनोसेंट, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लेकर जाएंगे एम, नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें नॉट आया है, एम आई, एम आई। जो नेक्स्ट है वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स, तो अब देखो ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, नो आया है तो हेल्पिंग वर्ब लेकर जाओ इसमें हैव, नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि यह नॉट है, चाहे लिटिल होता है चाहे अर्डली होता है उनको भी नॉट माना जाता है, उसमें साथ में नॉट है, तो हैव वी, हैव वी। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी मनी, तो इसमें मैंने बताया है आपकी मर्जी है, आप विल यू भी यूज कर सकते हैं और विल नॉट भी यूज कर, विल नॉट यू भी यूज कर सकते हैं। ही रीड्स द रामायण, इसमें भी वही सिचुएशन है कि भी हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर जाएं, तो फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज में से एक लेकर जाएंगे, तो ही है तो हम यूज करेंगे डज, तो डज नॉट ही, डज नॉट ही। अब लास्ट है इसमें भी सेम सिचुएशन है कि भी क्या लेकर जाएं हेल्पिंग वर्ब, तो देखो सेकंड फॉर्म है तो डिड लेकर जाते हैं, तो डिड नॉट, डिड नॉट ही, डिड नॉट ही, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो इस तरीके से टैग क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आसान सा ये चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ क्वेश्चन टैग की इसमें हमने बात करनी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और प्यार अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।